हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स पेसू। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो है और वट सावित्री के लिए भी है, क्योंकि वट सावित्री की पूजा आ रही है जो कि 30 तारीख को है, यानी कि मंडे को है। तो उसके लिए आज से जो भी वीडियोस हैं, मैं वट सावित्री के लिए जो भी वीडियोस डालूंगी, अपलोड करने वाली हूँ, वो आज से शुरू हो रहे हैं। तो ये वीडियो भी वट सावित्री के लिए ही हैं और काफ़ी टाइम से मैं इसका रिव्यू देना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए ये वाला वीडियो जो है अभी लेकर आ रही हूँ। तो चलिए, किस बारे में है ये पहले आपको बताते हैं। ऐसे थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किससे रिलेटेड है ये वीडियो। तो चलिए आप लोगों को पहले दिखाती हूँ वो क्या है। तो वो है लैक्मे का ये सीट मार्क्स, जो कि फेशियल जैसा ग्लो देता है ऐसा बताते हैं। मैंने ये कहाँ देखा था तो आपको बताती हूँ, वो कहाँ से देखा और कैसे मंगवाया ये। तो टीवी पे आप लोगों ने भी शायद इसका ऐड देखा होगा, एक कोई हीरोइन है या पता नहीं क्या है, जो भी है, मेरे को भी नहीं उतना पता उनके बारे में। तो वो इसका एडवर्टाइजमेंट करती हैं सेम लैक्मे का, ये स्ट्रॉबेरी फ्रूट फेशियल का फेशियल किट नहीं, तो वो करती हैं। तो वो बात देख के मैंने टीवी पे ही वो देखा था, तब से मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं भी इसे एक बार ट्राई करूं, क्योंकि उसमें ऐसा एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं ना कि पूरा एकदम फेशियल जैसा ग्लो आए, तो क्यों हम ऐसे फेशियल में 500-600 हज़ार रुपये खर्च करें, जब ये कितने का आता है आपको बताऊँ कि सुनोगे तो, इतने सस्ते में जब फेशियल जैसा ग्लो मिल सकता है। तो वही ट्राई करना है मुझे कि इसमें ये फेशियल जैसा ग्लो देता है या नहीं। ये मैं फर्स्ट टाइम मैं भी इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा भी पहली बार ही एक्सपीरियंस रहेगा कि कैसे ये कैसा लगता है जब यूज़ करते हैं तो, और ये अप्लाई भी कैसे करते हैं ये इसमें बताया गया है पूरा। तो उसी तरह से मैं भी अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लगेगा। मैंने भी पहले कभी भी सीट मार्क्स यूज़ नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूंगी मैं भी। तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि तो इसका फ्लेवर जो है बहुत सारे फ्लेवर में आता है मैंने देखा था, और जब मैं ऑर्डर भी कर रही थी तो बहुत सारे ऑप्शन था। हाँ, ये ऑनलाइन मंगवाया है मैंने, और कितने का मंगवाया है वो बता देती हूँ। तो ये मुझे 99 रुपीज़ का पड़ा था, और दो सीट्स एक साथ मैंने मंगवाई थी और एक मंगवाया था, बट बहुत पहले यूज़ करने का सोचा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को यूज़ करते हुए आप के साथ वीडियो भी शेयर करना था, तो मैं नहीं कर पाई थी यूज़ इसे, क्योंकि वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही थी इसलिए अभी तक यूज़ नहीं कर पाई थी। तो अब भी सोचा मैंने क्यों वट सावित्री पे ही क्यों ना इसे यूज़ करके देखा जाए, और क्योंकि अभी बहुत सारे काम हो जाते हैं वट सावित्री पे, तो ऐसे स्पेशली जाके पार्लर फेशियल क्लीनअप करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये इसलिए इस बार ट्राई कर रही हूँ मैं। और रही बात कितने की है, तो ये मैंने बता दिया 99 का, और बाय किया था मैंने ऑनलाइन अमेजोन से। अमेजोन का लिंक जो है, जो भी इसका लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। और फ्रूट फेशियल तो बहुत सारा आता है, क्योंकि आप जब पार्लर वगैरह भी जाओगे तो बहुत सारे फ्रूट फेशियल करवाते हैं बहुत है। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, और भी कई सारे फ्लेवर आते हैं, आपको जो पसंद हो मंगवा सकते हो। बाकी बेस्ट जो टीवी में दिखाया था ना वो यही तो मैंने इसे मंगवा लिया है। और रही बात कैसे यूज़ करना है इसे, तो बस जैसे वो बताती है ना, टेयर इट वेयर इट एंड क्लीन, वही होगा और क्या। तो बस इसे निकालना है, सीट की तरह आता है जिसे लगाना है, और 15 मिनट के लिए रखना है, और उसके बाद वॉश नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें, जब आप सीट जब निकालोगे ना, तो इसे वॉश नहीं करना है चेहरे को, जो भी उस पर ऑयल होते हैं या जो भी क्रीम होती है सीट निकालने के बाद, तो वो आपके फेस में अपने आप एब्जॉर्ब होने चाहिए, उसे मसाज करते हुए एब्जॉर्ब करना है। तो ये है इसका, हो गया क्या क्या कैसे कैसे किस तरह से यूज़ करना है। बाकी यूज़ करके तो मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे यूज़ करना है। तो उससे पहले, यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी कि आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत कुछ बनता है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब किया करो। और भी वट सावित्री के बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, मेकअप को लेकर, शॉपिंग को लेकर, और वट सावित्री की पूजा कैसे हुई इसका ब्लॉग भी आएगा, और भी कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने कर लिया है वो तो देखिएगा ही वीडियोस, और बहुत सारे लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं लगा के कि किस तरह से ये काम करता है। मेरा भी पहली बार है तो
कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद देख लीजिएगा कि ये कैसा लग रहा है। और कि ये लैक्मे का फ्रूट फेशियल के नाम से ही आता है, इजिली आपको दुकान में भी मिल जाएगा अभी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन शायद ना मंगा पाओ, तो आपको ऐसी शॉप पे भी मिल जाएगा क्योंकि इतनी एडवर्टाइजमेंट हो गई है इसकी, तो आई होप ये सब जगह मिल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से लगता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो उसको लगा के आप अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लीजिए और उसे सुखा लीजिए, मतलब टॉवल से अच्छे से पोंछ लीजिए, कॉटन के टॉवल से, जो भी टॉवल आप यूज़ करते हो। बाकी अक्सर फेस को जो है कॉटन टॉवल से ही क्लीन करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो चलिए अब इसे मास्क को हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, मतलब लगाते हैं। तो पहले इसे खोलते हैं, तो ये रहा ये, और मैं ये कैची से ओपन करूँगी, तो कट करते हैं। ये कट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, वहीं से मैं इसे कट कर रही हूँ। अब इसे निकाला जाए, महक तो अच्छी आ रही है इसकी, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी एकदम चिपक सा गया है यहाँ। फेस मास्क कुछ इस तरह से है, अंदर में आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखो वाइट वाइट सा जो दिख रहा है ना, वही है। अब इसे निकालते हैं और अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। इसे केयरफुल एकदम निकालना है क्योंकि गीला गीला सा रहता है ये, और ओपन करके इसको लगाना है आपको। पहले इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं हम, तो चलिए इसे ओपन किया जाए, ये रख लेते हैं यहाँ। कहाँ से ओपन करूँ, बस फट मत जाए लग रहा है ये मेरे को, अच्छे से रख के ही करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ होगा ये, तो इस पर नोज़ नहीं, आईज और क्या बोलते हैं उसको, लिप्स के लिए होल दिया हुआ है, क्या है कि वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, और नोज़ के लिए। तो ये इस तरह से है, बोथ साइड इक्वल है, तो आप चाहो जिधर से भी इसे यूज़ कर सकते हो। चलिए लगाते हैं, कैसा दिख रहा है ये, बहुत ही इजी है इसे अप्लाई करना, आई थिंक सो। मतलब मैंने तो बहुत इजीली अप्लाई कर लिया, बस इसे खोलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, बहुत बड़े चेहरे के लिए है ये, मेरा चेहरा छोटा हो गया। नोज़ के पास कर्ट्स दिए हैं ताकि आप इसे अच्छे से अप्लाई कर सको, पूरी वाइट फूटनी लग रही हूँ है ना। ये जो स्ट्रेस बन रहा है इसे थोड़ा हम अच्छे से कर लेते हैं, ये मेरे नेक तक आ जा रहा है ये देखो। यहाँ दिखाते हैं, हाँ बस। तो इसे अब ऐसे ही 15 मिनट के लिए हमको छोड़ देना है, तो चलिए 15 मिनट का वेट करते हैं, तब तक मैं अपना मुंह बंद करती हूँ और ऊपर से साउंड डालूंगी और कुछ कुछ आपको बताना है वो सुनो। सो गाइस, इसका एक्सपायरी डेट मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो इसका एक्सपायरी डेट जो है वो 2 साल की है, मतलब 2021 में ये बनी थी और 2023 तक जो है इसके एक्सपायरी डेट है। और जब आप इसे अप्लाई करते हो तो अगर आपको ज़्यादा इचिंग होती है, मतलब अगर जब जैसे आप फेशियल करवाते हो तो ब्लीच अप्लाई करते हो तो थोड़ी थोड़ी होती है ना जलन सी, इचिंग सी, उतनी मुझे भी हो रही थी। अगर उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को होती है इचिंग, इरिटेशन होता है, तो आप इसे तुरंत निकाल कर और क्लीन वाटर से अपना फेस जो है वॉश करके छोड़ सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। बाकी मुझे उतनी इचिंग नहीं हो रही थी, मैंने बताया जैसे कि फेशियल करवाते वक्त जितनी होती है बस उतना ही हो रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था इसे वियर करके, बहुत ही कूलिंग सा महसूस होता है और अब ऐसा लगता है कि एब्जॉर्ब हो रहा है फेस पे अपने आप सब कुछ। और जब आप अप्लाई करो तो लगा के ऐसे थोड़ा लेट जाओ आँख बंद करके, मुझे तो वीडियो शूट करना था इसलिए मैं इधर से उधर हो रही थी कि कब 15 मिनट हो मेरे,
और मैं ये आप लोगों को निकाल के दिखाऊं। जब मैंने इसे निकाला है तो आगे मैं आप लोगों को देखिएगा कि किस तरह से लग रहा था। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो इसलिए अभी इसे बता दिया। तो गाइस मेरे 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकालते हैं। हाँ, तो गाइस जिस तरह से केयरफुली से लगाया था वैसे ही सही सलामत इसे वापस से निकाल लिया है। अब इसे मैं साइड पे रख देती हूँ। तो देख सकते हैं फेस पे कितने ज़्यादा उसके जो भी रहते हैं वो लगा हुआ है, मतलब जो भी ऑयल था या जो भी उस पर लगा होता है वो है। तो इसे आपको धोना नहीं है, वॉश नहीं करना है, अब इसे ऐसे ही मसाज करते हुए सुखाना है। तो पहले कैसे आपको मसाज करना है वो मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से प्रेस करते हुए आपको जहाँ जहाँ ये लगाए थे अपने वहाँ वहाँ इस तरह से प्रेस करते हुए मसाज करना है पूरी फेस पे, पूरे फेस पे जहाँ पे भी ये लगा हुआ था पूरा इस पे मसाज करिए और ऐसे ही सुखाना है इसको, वॉश नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था कि वॉश नहीं करना है हमको। जब ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके 10-15 मिनट बाद जो है आप कर लेना वॉश अगर करना चाहो तो, बाकी ना भी करो अभी तो थोड़ी देर के लिए बहुत ही बेटर है, 1-2 घंटे ना ही करना मेरे ख्याल से तो अच्छा होगा। इस तरह से आपको पूरा दबा दबा के अपने फेस पे मसाज करना है। और ये जब मैंने वियर किया था तो स्टार्टिंग में ना मुझे थोड़ी सी खुजली खुजली इचिंग सी हो रही थी और थोड़ी सी जलन टाइप से लग रही थी, लेकिन मतलब जैसे ही ये सेट होते गया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को। और स्टार्टिंग में बस मुझे वैसा लग रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ आप नई चीज़ जब यूज़ करोगे, मैंने बताया आपको कि पहली बार था मेरा भी ये, जब नई कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो ऐसा लगता ही है थोड़ा सा। बहुत ही इजीली ये जो है आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है जब आप इसे मसाज दोगे तो। ये देखो आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि बहुत ही ऑयली सा चिपचिपा सा दिख रहा था, अभी ये प्रेस करने पर भी आपको ऐसे चिपचिपा सा लगेगा। ये देखो मैं गाल कैसे हो रहा, इस तरह से पूरा चिपचिपा सा लगता है स्टार्टिंग में, जब आप पूरा देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये जो है पूरे फेस पे जो है एब्जॉर्ब हो गया है, कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत ही टाइम भी नहीं लगता है एब्जॉर्ब होने में, इजीली बहुत इजीली जो है ये एब्जॉर्ब हो गया। तो ऐसे ही आपको अब अपना पूरा फेस मसाज करते हुए एब्जॉर्ब कर लेना है। तो चलिए मैं अपना फेस थोड़ा पास से आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा है, सामने में आप लोगों को पता चलेगा। वैसे तो मेरी फेस उतनी ख़राब नहीं है, बाकी थोड़ा बहुत क्योंकि फेशियल पे भी उतना समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ कैसा हुआ है क्या हुआ है, क्लीन अप या फेशियल करवाने से भी मतलब फेस पे उतना पता नहीं चलता है मेरे को, लेकिन कुछ 1-2 दिन में ही ग्लो आता है। बाकी ये मेरे को फ्रेश सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो पास से भी किस तरह से ग्लो आ रहा है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे तो मेरा फेस थोड़ा ठीक ही लग रहा है पहले से, अब तुरंत तो ग्लो नहीं आता है किसी भी चीज़ का। तो व्हाट सावित्री के ब्लॉग पे देखिएगा कि ये कैसा लग रहा था मेरा फेस और किस तरह का लग रहा था। बाकी अभी तो कई सारे वीडियोस आएंगे तो उसमें आप लोगों को मेरे फेस में अगर अंतर लगता है तो बताना, और मैं भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी यूज़ करने के बाद तो थोड़ा फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है फेस पे, अच्छा सा लग रहा है, तो क्योंकि फेशियल करा के भी मुझे ऐसा ही लगता है, जब मैंने फेसियल करवाया था तो भी मुझे ऐसा ही लगा था। तो एक बार आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करना, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ नई चीज़ हमेशा ट्राई करनी ही चाहिए, एक ना एक बार तो करनी ही चाहिए। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं और कैसा लगा आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा जब आपने यूज़ किया। तो गाइस चलिए मिलते हैं और भी नए नए वीडियो के साथ व्हाट सावित्री के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।